हाय फ्रेंड्स, मैं अंशु है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ शाहरुख खान की फिल्म डॉन थ्री के बारे में। आप सोचोगे मैंने यार सुबह दोपहर तक एक वीडियो जरूर बनाया था इस पर, और कहीं ना कहीं वापस एक वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, उसका एक रीज़न है और वो रीज़न मैं बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, करीबन कई सारे बड़े क्रिटिक्स ने ये साफ कह दिया था कि भैया डॉन थ्री आने वाली है और साथ ही फरहान अख्तर भी उसमें रहेंगे, और कहीं ना कहीं स्टोरीज़ के बारे में बता रहा ग्रैंड्स के लोग, ये फिल्म ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं स्टार्ट किसने किया था, बट कहीं ना कहीं कई सारे बड़े क्रिटिक्स ने ये जब कहा, तो वैसे तो मैं न्यूज़ नहीं बनाता हूँ जल्दी सिलाई क्वेश्चन मार्क वाली, और आपको समझ भी आता होगा कि मैं क्यों नहीं बनाता, क्योंकि यार लोग मेरी बातों पर भरोसा करते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ गलत खबर दूँ। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि र्यूमर्स इतना स्ट्रांग होता है कि बताना पड़ता है, तो ऐसे में बताना पड़ता है। बाद में ये लोग ना कहे यार सूर्या तूने बताया नहीं, सबने बता लिया, कहीं सलमान खान का फैन तो नहीं है तू, कहीं आमिर खान का फैन तो नहीं तू, शाहरुख खान की न्यूज़ नहीं बताता ये वो ऐसा वैसा, तो मैं इसी रीज़न से नहीं बताता हूँ, क्योंकि जब तक कोई कन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं आती तब तक बताने में मज़ा नहीं आता। और वैसे कई सारे बड़े सोर्सेज से ये न्यूज़ आई थी, इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़ बताई थी आज। लेकिन फरहान अख्तर ने खुद साफ साफ कह दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, और जिसने भी ये अफवाह फैलाई सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यानी कि जो हमारा एक दिल में एक धड़कन बजने लगी, बोलते हैं एकदम दिल धड़कने लगा था ज़ोर से कि यार डॉन थ्री आने वाली है, शूटिंग होगी 2019 से, वो वापस से दिल थोड़ा सा टुकड़े हो गया ऐसा मैं यही कहूँगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा मूड मेरा भी बना था कि यार आखिरकार मैंने काफ़ी जो फैंस जो चाहते हैं शाहरुख खान के बारे में जाना, मैंने उनको एक अच्छी खबर सुनाई, फिर जैसे ही मैंने खबर सुनी कि खबर झूठी, तो मुझे सबसे पहले तकलीफ हुई। और बट यार बताना चाहिए आई थिंक, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और इसके आगे मैं डॉन थ्री पर तब तक वीडियो नहीं बताऊँगा जब तक मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि डॉन थ्री के बारे में करीबन पिछले एक साल से मुझे कई लोगों ने पूछा है और पूछते आते हैं अभी तक, तो पेशेंस रखिए। मैं यही कहूँगा कि आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना मैं भी एक्साइटेड होऊंगा जब ये खबर आएगी, तो जैसी खबर पता चलेगी मैं ज़रूर बताते रहूँगा। बट हाँ, फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखिए डॉन थ्री के लिए, क्योंकि आई थिंक पहले जीरो आने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कौन सी फिल्म आ सकती है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा तो वैसे नहीं लगा होगा। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय।